नौजवानों के लिए आइडियल शख्सियात हीरोज़, रोल मॉडल जाती सिफात आइडियल ये सारे के सारे ऐसे नज़रियात हैं इनके ज़रिए किसी फ़र्द की तामीर या तबाहकारी मुमकिन है ये सब चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं नौजवान नस्ल इन से बहुत ज़्यादा मुतासर है इस बात में कोई शक नहीं कि अक्लमंद आदमी हमेशा अपने लिए अच्छा नमूना तलाश करता है जिसका आला अखलाक हो और वह रास्त फिक्र वाला हो और जो कामयाबी के अज्जा और उसके असबाब का मालिक हो ताकि उसकी पैरवी की जाए और उसके रस्ते पर चला जाए जितना भी मुसलमान नौजवान अपने लिए नमूना तलाश कर ले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सहाबा रजी से अच्छा नहीं पा सकता और उनमें से हैं जैद इबिनत रज़ील्आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहूदियों की ज़बान सीखने की जिम्मेदारी दी और आपने सीख ली और इसमें महारत हासिल कर ली पंद्रह दिनों में और इब्ने अब्बास रज़ील्न ने कोशिश की और ढेर सारा इलम जमा कर लिया जिसे बाद में आने वालों ने आपसे नकल किया मुसब इबन उमैर रज़ी तबीसम ने सफ़ीर बनाकर मदीना भेजा और आपने कुरान के साथ इसे फ़तह कर लिया माजिब ने जब रज़ील्ल्ल तबी सल्स वसम ने दाई बनाकर यमन भेजा उसामा उसामबिन जैद रज़ी अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज का कमांडर बनाया रूम के ख़िलाफ़ जंग में और आपकी उम्र 20 साल भी पूरी नहीं हुई थी और इस तरह वो अपनी कम सीनी के बावजूद ख़तरों को मोल लेते और राजों की हिफाज़त करते शब व रोज़ अल्लाह की इबादत करते वो बेहतरीन रोल मॉडल और शानदार मिसाल थे फरमान बारी तला है सबकत ले जाने वाले महाजरीन और अनसार में से और बेहतरीन अंदाज में उनकी पैरोकार अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए और उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है